दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सदर बाजार की 3 दुकानों में भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। दरअसल दमकल विभाग को शाम में सदर बाजार की हार्डवेयर केमिकल शॉप पर आग लगने की सूचना मिली थी और जब तक दमकल विभाग अति अभ्यस्त इलाके में मौके पर पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था और आसपास की दुकानों को चपेट में ले लिया। दुकान मालिकों की माने तो शाम को अचानक आग लगी और देखते ही देखते काबू से बाहर होती चली गई। गुड़गांव के एमएलए को कोई फोन नहीं पिक करता यहाँ पे। एक घंटे में गाड़ी आई है और उसको गाड़ी आ रही है आधे घंटे के बाद। अभी तक 6 गाड़ी आई है 3 घंटे में। कितनी दमकल विभाग की गाड़ी आ चुकी है? 6-7 गाड़ी आई है 3 घंटे में। पीछे भी आग लगी है, पीछे इसके पीछे भी आग लगी हुई है। इसके बैक साइड लाइक दुकान है हमारी सेक्टर 52 वाली जो आई है ना, वो तो अब आई है। आग लगी कैसे सर? शॉर्ट सर्किट से आग लगी है यहाँ पे। बेसिकली बोर्ड से स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। इस दुकान में आग लगी। देखिए ये जो घटना स्थल है ये सदर बाजार का एक सबसे व्यस्त बाजार है ये, और 5 बजे के आसपास ही 5 से 5:30 के करीब आग लगी थी। उस टाइम पूरा रस जो है भीड़ का रस वो पीक पे होता है, इसलिए गाड़ियों को थोड़ा सा पहुंचने में दिक्कत आई है। उसके अलावा जो गाड़ियां थी वो कोई मानेसर से बुलाई, कोई होंडा से बुलाई, कोई मारुति से बुलाई, तो अपने अपने एरिए से उस टाइम वो रश का टाइम होता है, लेट हुई है। लेकिन जो हमारी शहर की गाड़ियां थी उन्होंने आग को रोक फैलने से रोके रखा।